अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब। तो इसके लिए मैंने लिया है चना दाल। तो उसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो लिया था। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये एक प्याज लिया है, रफली चॉप कर लिया है, दो सूखी मिर्च लिया है। आप चाहे तो इसके साथ ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। मेरे घर में बच्चे हैं तो इसलिए मैं मिर्ची थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। एक आलू लिया है, टुकड़ों में कट कर लिया है, तो ये सारे एक साथ डाल देंगे। वन टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मटन की कीमा 200 ग्राम, और एक कप काली चरी पानी डाल रही हूँ। फिर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। अच्छे से उबल चुका है, मैंने 4 सीटी लगा लिया था और इसका पानी थोड़ा सा था मैंने निकाल लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। तो अच्छे से पीस लेंगे इसे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बन के रेडी है। तो इस तरफ मैंने टिक्की के साइज़ में बना लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 अंडा फेंट लिया था अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो मैं अंडों में थोड़ा सा ऐसे डिप कर लूँगी, और डिप करने के बाद ये गर्म तेल में डाल दी जाऊँगी। बाकी के टिक्कीज भी डाल लेंगे। धीरे से अल्टी पल्टी कर लेंगे। अच्छे से अल्टी पल्टी करके सेक लेंगे दोनों तरफ से। काफ़ी के टिक्कीज हो रहे हैं और ये साइड का हो गया, तो मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लिया है, वहाँ पे निकाल रही हूँ। बाकी के टिक्कीज भी निकाल लूँगी। यहाँ पे हमारा शामी कबाब बन के रेडी है। आप भी ट्राई करें, इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।